समाज में एक अच्छा संदेश देने वाला कार्यक्रम और अर्पणा परिवार के बारे में मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि एक लंबे समय से समाज सेवा के अंदर अर्पणा परिवार की एक बहुत अच्छी भूमिका रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी चाहे चिकित्सा की बात है चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात है लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना खासतौर पर महिला सशक्तिकरण इस दिशा में अर्पणा परिवार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं ये कहूँगी कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता पर जो प्यार और भक्ति है वो ही हमें खींच लेता है भगवान जी की तरफ प्योरिटी की तरफ इनोसेंस की तरफ क्षमा दया करुणा सब इसके तरफ ले जाता है अगर हम ये याद रखें कि प्यार सब कुछ है। ये तो पूज्य माने दिया है आप देख सकते हैं अपने सामने कैसे एक छोटी सी शबरी जो एक नीच कुल की थी अब आप देखेंगे भगवान खुद आते हैं उसे मिलने। तस्वीरें जो आपने देखी है करनाल के कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित सभागार की थी जहां पर अर्पणा ट्रस्ट की तरफ से एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शबरी थीम को लेकर हर वर्ष वे इस तरह का एक नाटक प्रस्तुत करते हैं जिसको चित्रार्थ किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी सुंदर यहां पर जो चित्रार्थ किया गया था कि शबरी किस तरह से जिस तरह से भगवान श्री राम उनके पास आए और किस तरह से ज्ञान वगैरह उन्होंने ग्रहण किया तो इस तरह की तस्वीरें जो है अर्पणा ट्रस्ट की तरफ से समय समय पर इस तरह आके आयोजन किए जाते रहे हैं। आप तस्वीरें समय देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दो दिन तक यह कार्यक्रम पहुंचेगा जिसमें बतौर मुख्य अतिथि करनाल के घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं और इस तरह का एक अच्छे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। जो अर्पणा ट्रस्ट यहाँ पर मैम पहुंचे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और सीधी तस्वीरें समय आप कॉन्वेंट स्कूल के सभागार से देख रहे हैं जहाँ पर शबरी थीम को लेकर एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हम आयोजकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी मैम क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उस पर क्या कहेंगे? ये एक पूज्य माँ का संदेश है जिसमें हमें ये कहना चाहते हैं कि नीच और ऊंच कुछ नहीं होता भगवान के लिए भक्ति ये सबसे बड़ी चीज है और यही हमें अपने से उठाकर ऊपर ले जाती है दया क्षमा करुणा प्यार कंपैशन इंटेग्रिटी ये सब आ जाती है ऑटोमेटिकली अगर हम ये करें। बस आप कहते हैं कि दया और किस तरह से एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है जिसमें करनाल शहर के कई गणमान्य लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। यह कार्यक्रम जो है कल भी होगा इसी समय करनाल के कॉन्वेंट स्कूल के सभागार में। कमल मिडा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।